तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तब से हमारे चैनल पर एक भी एनिमे रिव्यू वीडियो नहीं बनी है। बट अब वक्त आ चुका है एक एनिमे रिव्यू वीडियो का। जी हाँ, जिस एनिमे का आज हम रिव्यू करेंगे उस एनिमे का नाम है मोब साइको 100। टाइटल में लिखा है, चलो आगे बढ़। वो है तो सही टाइटल में नाम, मैंने जो लिखा है। मुझे माफ करना अगर आपको बुरा लगा। अब आगे बढ़ेगा भी या नहीं? वो मोब साइको 100 एक ऐसा एनिमे जिसका थर्ड सीजन 2022 में आने वाला है। मोब साइको 100 एक ऐसा एनिमे जो बेस्ड है साइकिक पावर्स पर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। बट साइकिक पावर्स का मतलब ये नहीं है कि शरारते करो, लोगों को परेशान करो या मस्ती करो और या हीरो बनो, क्योंकि मोब साइको 100 में ये सब तो है, मगर ये सबसे हटके भी है, क्योंकि ये कहानी है एक बच्चे की जिसके पास बेशुमार साइकिक पावर्स है। अब ये बातें सुनकर आप लोगों को ये लग रहा होगा, ये बच्चा तो बड़ा ही मशहूर ताकतवर और बड़ा ही बैडएस होगा, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और यही बात इसे यूनिक बनाती है। मोब साइको 100 का मतलब मोब उस बच्चे का नाम है जो एक मिडिल स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम शिगेओ कागेयामा है, और 100 से यहाँ मतलब है उसके इमोशंस या फिर उसकी साइकिक पावर्स लेवल का। मोब का एक छोटा भाई भी है जो सेम स्कूल में उसके साथ पढ़ता है और उसका नाम रित्सु कागेयामा है। मोब स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब भी करता है जहाँ वो एक्सोर्सिज्म करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों को भूतिया प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स जो है। हालांकि इस काम के उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते, बट यही एक बड़ी बात भी है कि वो जिसके लिए काम करता है वो एक अच्छा ह्यूमन है। उसके बॉस का नाम रेगन आराताका है। मोब अपने बॉस को मास्टर मानता है, क्योंकि रेगन ने मोब को यही सिखाया है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी और ह्यूमन के खिलाफ कभी नहीं करना। बट उतना ही कमजोर वो फिजिकल एबिलिटी के मामले में है। मोब अपनी पावर्स का यूज ओनली इविल स्पिरिट्स के अगेंस्ट करता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे यही सिखाया है और ये उसका काम भी है। अगर मोब को कंपेयर किया जाए अदर एनिमे प्रोटैगनिस्ट से, तो मोब उन सबसे अलग है। ड्रैगन बॉल के गोकू और को तो हम जानते ही हैं मजाकिया और रूड कैरेक्टर के लिए, सेम गोज़ टू नारुतो एंड वन पीस, और बाकी किसी भी एनिमे को उठा लो इनमें सिमिलैरिटी जरूर दिखेगी, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स सोशलाइज करते हैं बाकी लोगों के साथ। इन कैरेक्टर्स का अपना एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, हाँ मुझे ये करना है। बट मोब इन सबसे अलग है, वो एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसको बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की आदत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस पार्ट टाइम जॉब। हाँ ये बात सच है कि अगर उसका मास्टर नहीं होता तो शायद वो किसी और ही पैथ पर चल रहा होता और वो क्या बन जाता इसका किसी को भी पता नहीं। बट मोब को ये एहसास हो जाता है कि उसकी अपनी एक सोशल लाइफ भी है जिसको उसे टाइम देना ही चाहिए, और इसका अंदाजा मोब को इसके सेकंड सीजन में लग गया था। इट मींस मोब की सोशल लाइफ में चेंज आता है और उसका गोल भी सेट हो जाता है अपने चाइल्डहुड क्रश को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना, ताकि वो अपनी सोशल लाइफ को चेंज कर सके। मैं भी अपनी बोरिंग लाइफ को चेंज करने के लिए रोज कोशिश करता हूँ। तू अपने बारे में बताना बंद कर। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब वक्त है आगे बढ़ने का। तो जैसे कि एक साइकिक एनिमे है तो इसमें एक्शन तो कूट कूट के भरा ही होगा। एनिमे में एक्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। एनिमे की एनिमेशन भी बहुत ही जबरदस्त है, इसके एक्शन सीन्स तो लाजवाब है, साथ ही इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है। इसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड है जो कि 2016 में एयर हुआ था, और सीजन 2 में टोटल 13 एपिसोड है जो कि 2019 में एयर हुआ था, और इसका थर्ड सीजन 2022 में आएगा। इसके दोनों सीजन आपको ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगे जैपनीज और इंग्लिश डब के साथ। और रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इसे 8.6 आउट ऑफ 10 दी है। एनिमे का म्यूजिक, OST और विजुअल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आई एम श्योर आपको ये एनिमे जरूर पसंद आएगा। मैं तो इसे नेटफ्लिक्स पे ही देखूं। वो
सो दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो 1K सब्सक्राइबर्स के बाद ये हमारा पहला एनिमे रिव्यू है, तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, एक अच्छा सा कमेंट कर दो तो मजा ही आ जाएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतलब आपको अगर करना है तो कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाना अगर आपको ऐसे ही और मजेदार एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने हैं तो। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी आपको यूजर नेम दिख रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।